ऐसे लग रहा है जैसे किसी घोड़े के ऊपर बैठा हूँ मैं, इतनी हाइट है। तेरे को मजा आ रहा है बाइक के पीछे बैठ के? इनका रिएक्शन देखते हैं। इनका रिएक्शन देखते हैं। अरे लॉर्ड ने भाई भी बहुत अच्छा आ रही है। तेरी कदम बहुत कदम भाई आ रही है। आज तो मेरी एक सेकंड भी जरूर जाऊंगा भाई के लेके। तेरी कदम लाल स्वाद आ रहे हैं पूरे। एक नंबर का एक नंबर, कुछ कह ही नहीं सकता यार मैं। और आज हम बाइक की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। Congratulations for rocking and कैसा लग रहा है नई बाइक के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है मतलब बता नहीं सकता मैं, कितना अच्छा लग रहा है बताना है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो ऋतिक की खुशियाँ नहीं हमारी खुशी। अरे भाई ना ना, बस बाकी जो सारा रहेगा ना मैं कल आता हूँ आपका, टाइम निकाल के आराम से। कोई बात जा रही है। अब जल्दी नहीं कर सकता ना मैं। जल्दी नहीं कर सकता ना अभी, नहीं नहीं है, डर लगता है। सो गाइस, सबसे पहले इसमें पेट्रोल डलवा के इसको फुल करवाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे गुरुद्वारे माथा टेकने, भगवान जी से आशीर्वाद लेने की आगे की हमारी राइड और जर्नी सेफ रहे। और पेट्रोल पंप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फुल कर दो, फुल ये वाला कर दो। बस 50 पे रोक देना। हाँ भाई कैमरा है। 1450 ले लो। हाँ भाई कीमत भाई एंडी आगे क्या क्या कर रहे हो भाई? हाँ पर रुकवा ना, पुलिस वाला हूँ मैं। सो अभी मैंने इसमें पेट्रोल डलवा लिया, फुल करा लिया इसका टैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी जाने लगा हूँ मैं गुरुद्वारे माथा टेकने और भगवान से आशीर्वाद लेने की, आगे की हमारी जर्नी बहुत खूबसूरत और सेफ रहे। हिमालयन मैंने चलाई आज से 2 साल पहले, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। ये काफ़ी स्मूथ है चलाने में, थोड़ा सा डर भी लग रहा है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। भाई साहब ट्रैफिक दिल्ली बन रहा है अपना इस आर भी। तेरे को मज़ा आ रहा है बाइक के पीछे बैठ के? क्या लग रहा है? हाँ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एलियन अटेंशन मिल रही है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे के बाहर, पार्क करते हैं इस बाइक को और चलते हैं अंदर माथा टेकने। चलो आओ हरि पीरा मन निवसाया कह ना जा।
इसका टायर मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है अभी, इसकी ना हवा भी डलानी पड़ेगी, शायद कम है। बाकी भाई ये पंचर ही ना होगी, वो पहला ही दिन है अभी, तो पहला दिन क्या, अभी एक घंटा भी नहीं हुआ इसको निकलवाया हुआ, कहीं पंचर ही होगी हो ये। चलो देखते हैं, हवा डला के देखते हैं। पहले तो गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया, भगवान से आशीर्वाद भी ले लिया, अब चलते हैं ऑफिस। और भाई ट्रैफिक बहुत है आज, और जो ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का धागा बांधा है, कपड़ा बांधा है, ये एज आ गुड लक होता है। ये काफ़ी पीक टाइम होता है ना, इस टाइम लोग भी ऑफिस से घर जा रहे होते हैं, तो जब भी ट्रैफिक होता है इस टाइम। और भाई अभी तो ये तीसरे गियर पे चल रही है और ये उड़ रही है ये बाइक, देख रहा हूँ बहुत अच्छी पिकअप है इसकी, चलने में बहुत स्मूथ है। अभी मजे ही आगे चला के। अरे चल ले भाई आगे, बीच में लगा के खड़ा कर दिया, निकाल ले आगे भाई इसमें। भाई निकाल लेगा कितनी जगह में। तो अभी इसमें भरवाने चलते हैं गाइस हवा, क्योंकि आगे वाला जो टायर है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, मोड़ते टाइम पता लग रहा है। बस यार ये पंचर ना होगी वो, अभी पहला ही दिन है। चल 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 मेरे भाई चल, फ़ोन किसका आ रहा है भाई, मम्मी का फ़ोन था, बोल रही थी गुरुद्वारे जरूर मत्था टेक के आइयो। भाई मम्मी भी ना मम्मी है कसम से। हाँ भाई ऋतिक कक्कड़, हिसार से हूँ भाई। क्या भाई जस्ट अभी लेके आए हो यहाँ पे? हाँ एक घंटा ही हुआ है। थैंक्स ब्रो। चला को नहीं भाई, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे तो हवा भर नहीं रही, इनकी मशीन बंद है, तो अब हमें चलना पड़ेगा कहीं और से भरवाने हवा। अभी तो ना भाई ये मोड़ने में मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि पहली बार चला रहा हूँ ना मैं अभी, ये आज पहली बार चला रहा हूँ ना मैं ये बाइक। इससे पहले मैंने 2 साल पहले चलाई थी, मेरे किसी नॉन के पास थी ये बाइक। ऐसा लग रहा है जैसे किसी घोड़े के ऊपर बैठा हूँ मैं, इतनी हाइट है, घोड़े से कम भी नहीं है भाई हमारी बाइक। एक दुकान इधर है बाकी, बस यहाँ डल जाए। पेट्रोल पंप पे मशीन ख़राब है उनकी, मशीन ख़राब है उनकी, वो नहीं है क्या अपने पास एयर वाला पंप? और तो कहाँ जाऊँ यहाँ पे, कहाँ भरी जाएगी आसपास? भाई इधर भी नहीं बनी बात, ये भाई बोल रहा है कि इनके पास एयर इंडेक्स वाला पंप नहीं है, जिससे पता लगेगा, जिससे कि पता लगे कि टायर में हवा कितनी भरी जा रही है। भाई कह रहा है अंदाजे से भरूंगा, ऐसा थोड़ी होता है अंदाजे से भरूंगा, अंदाजे से थोड़ी ना भरवानी है भाई इस बाइक में हवा। बाकी भाई पिकअप तो एक नंबर, मज़ा ही आ गया। कितनी है आगे? 30 कर दी, पीछे 35 करेगा, कर दे 40 कर दे, फट ना जाए देख लियो भाई। हेलो, हाँ भाई, भाई आ रहा हूँ तेरे घर, रास्ते में हूँ, पीएलए खड़ा हूँ, बस आ जा 2 मिनट में। साथ चलना मेरे, एक बार जरूरी है। अरे बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ। सो गाइस जिसमें हवा मैंने डलवा ली है, और अब चलते हैं मोहित के पास, मेरा दोस्त है मोहित, उसका रिएक्शन देखते हैं कैसा आता है बाइक के ऊपर। उसके बाद मैं मोहित के पास जाऊँगा स्कूटी लेने के लिए, क्योंकि जब मैं रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक की डिलीवरी लेने जा रहा था तो मैं स्कूटी से गया था, और मेरी स्कूटी वहीं पे एक हॉस्पिटल है रॉयल एनफील्ड के पास, उसके पास मैंने पार्क की थी, तो वहाँ पे पूरी रात खड़ी करना भी सेफ नहीं है ना स्कूटी, इसलिए अभी जाके ले आते हैं, टाइम अभी कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं, 8 ही बजे अभी, 8 भी नहीं 7 ही बजे, सॉरी अभी 1 घंटा ज़्यादा बता दिया मैंने आपको।
उसके बाद वहाँ से स्कूटी उठाने के बाद घर जाएंगे, वो स्कूटी पार्क करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाइक पे घूमेंगे, उसके बाद घर जाकर सो जाएंगे। तो आप वीडियो में जुड़े रहना, क्योंकि जब मैं घर जाऊँगा उस टाइम मम्मी और पापा का रिएक्शन भी देखेंगे क्या आता है, रिकॉर्ड करूँगा मैं वो भी। सो अभी तो चलते हैं मोहित के पास, वेट कर रहा है मेरा वो। और मैंने अभी तक उसको बताया नहीं कि मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, उसको सिर्फ मैंने ये कहा भाई मैं तेरे घर के बाहर आ रहा हूँ, काम चलना है मुझे तेरे साथ, तो उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। भाई बाइक की पिकअप तो एक ही नंबर है, क्या बताऊँ मैं, मजा ही आ गया बाइक चला के। तो मोहित ये खड़ा यहाँ पे, एक और दोस्त भी खड़ा है मेरा साथ में, साहिल, इनका रिएक्शन देखते हैं मुबारका। थैंक यू भाई, थैंक यू। हिमालयन ले आया भाई, कैसी है बाइक? फुल अरे मैं जान मुझके कह रहा था साहिल को घर भेज दे, क्योंकि मैं तेरा रिएक्शन अलग रिकॉर्ड करता, मैं सिर्फ इसका रिकॉर्ड कर रहा था अभी। बाइक के नाम पर पार्टी में दूंगा, कमरा बचा लो, चलेंगे। एक मिनट ना, मेरे को घर जा, एक बार घर होके आना, बस मम्मी पापा से मिल के आता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है? हम दोनों होके आते हैं जस्ट अभी भाई, सबसे पहले तेरे पास आया हूँ यार मैं। चलाएगा क्या? ले तू चला भाई, चला। अरे हाँ हाँ, आज फिर तेरा भाई मालन चलाएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई, मालन मिलने के बाद भैया पलटा मार की देख ले ना ना, ये भी अपनी है, इसने भी अपना बहुत साथ दिया यार। हाँ बिल्कुल, ये भी अपनी है, ये भी अपनी है, सारी अपनी है यार। रुक एक मिनट, हेलमेट लगा ले पहले, हेलमेट इज कंपलसरी ब्रो। क्या ब्रो, अरे भाई भी बहुत अच्छा आ रही है ना। तेरी कदम बहुत कदम भाई भारी है, आज तो मेरी एक्सीडेंट में जरूर जाऊंगा भाई के लिए। What? What the fuck? तेरी कदम लाले सवाल आ रहे हैं पूरे भाई का ना। एक नंबर का के, एक नंबर, कुछ कह ही नहीं सकता यार मैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। एंड यस, इस वीडियो का थोड़ा सा जो पार्ट है, मतलब इसकी फोटेज है, वो डिलीट हो गई है मुझसे। और इससे आगे के पार्ट में ये था कि मैं मोहित के साथ अपनी स्कूटी लेने जा रहा हूँ, और रास्ते में मुझे पुलिस वाले मिलते हैं, उनसे थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने बाइक देखी, उसके बाद फिर आगे मैं अपने घर गया, और मेरे मोम डैड का और मेरी छोटी बहन का रिएक्शन था उसके अंदर। तो ये सब पार्ट था उसके अंदर जो डिलीट हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और यार शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके, व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो, अपने दोस्तों के पास भेज दो, उन्हें भी बोल दो कि आगे शेयर करें। और हाँ गाइस, इस वीडियो का जो पहले वाला पार्ट था बाइक डिलीवरी वाला, उसके ऊपर आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं ऊपर आई बटन पर लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, और जिसने देख लिया वो भी एक बार दोबारा देख लिया अगर देखना चाहे तो। एंड या अगर आप चैनल पर नए आए तो फिर सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टाटा एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।